आगे कुछ नए सपनों के साथ। बने रहें UVN 08 के साथ। नमस्कार, UVN 08 में आपका स्वागत है। मैं सोनम खान, आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। देखते रहिए UVN 08, ताजा खबरों के लिए बने रहिए UVN 08 के साथ। तराना से अर्पित बोटाना की रिपोर्ट। 20 किलोमीटर विश्व हिंदू संघ रक्षा संगठन के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा 65 लाख का अवैध शराब का वाहन, पुलिस अपनी लूट रही है वाह वाह। विश्व हिंदू रक्षा संगठन के जिला अध्यक्ष दीपेंद्र संगत और पदाधिकारियों ने सिटी प्रेस क्लब पर पत्रकार वार्ता लेकर बताया कि सोमवार को चिमनगंज थाना पुलिस द्वारा जो 65 लाख की शराब पकड़े जाने का दावा किया जा रहा है, वह शराब उन्होंने 20 किलोमीटर पीछा कर पकड़ी थी। इस दौरान ड्राइवर ने उन पर हमला भी किया, जिसमें दीपेंद्र के दोनों हाथ जख्मी हो गए। गाड़ी पकड़े जाने के करीब 20 मिनट बाद मौके पर पुलिस पहुंची थी। तब तक ड्राइवर फरार हो चुका था और क्लीनर को हमने पकड़कर पुलिस के हत्थे किया, लेकिन पुलिस ने उल्टा हमें ही लॉकअप में बंद कर दिया। संगठन के जिला अध्यक्ष दीपेंद्र संगत ने बताया कि उन्हें 10 नवंबर को ही जिला अध्यक्ष बनाया गया है और वे लगातार घटिया क्षेत्र में गौ तस्करी को रोकने का काम कर रहे हैं। सोमवार शाम उन्हें सूचना मिली थी कि एक आयशर वाहन में गायों को भर कर ले जाया जा रहा है, जिस पर उन्होंने झालावाड़ से आ रही आयसर क्रमांक GJ31T3878 को घोंसला में रोका, लेकिन ड्राइवर ने उन पर लोहे की राड से हमला कर गाड़ी को तेजी से भगा लिया, जिसमें दीपेंद्र के दोनों हाथों में चोट आ गई। दीपेंद्र को चोटिल देख संगठन के कार्यकर्ताओं ने आयसर का पीछा किया और उसे आडी गाड़ी के समीप सुरासा में रोक लिया, जहां से ड्राइवर फरार हो गया, जबकि क्लीनर को खेतों में दौड़कर पकड़ा गया और आयसर से पल्ली हटाई गई तो उसमें बड़ी संख्या में विदेशी शराब भरी हुई थी, जिसे देख ग्रामीण भी 25 से 50 पेटी शराब लूट कर ले गए। करीबन 20 मिनट बाद वहां चिमनगंज थाने के दो आरक्षक पहुंचे और गाड़ी एवं दीपेंद्र को लेकर थाने में पहुंचे, जहां पूरी स्टोरी को बदल दिया गया और शराब CSP पल्लवी शुक्ला एवं चिमनगंज थाना पुलिस द्वारा पकड़े जाने दिखा दिया और हमें करीब 6 घंटे तक लॉकअप में बंद कर दिया और किसी को भी उक्त घटना बताने का 25 आर्म्स एक्ट में झूठा फंसाने की धमकी दी गई। संगठन के कार्यकर्ताओं हरीश सुनहरिया, कृष्णपाल सिंह, बलराम बोटाना, राकेश परमार, विजय लोहान, विकास यादव, जितेंद्र, राजा सोलंकी, लखन सिंह, मनोज चावड़ा, दीपक सोनी, लखन शर्मा, अब है बादल, चिंटू बैरागी, दीपेंद्र संगत ने संयुक्त पत्रकार वार्ता ली और पुलिस की कार्यवाही पर सवाल खड़े करते हुए इनाम का असली हकदार स्वयं को बताया। गाड़ी रुकवाई, चक्कर जाम करा और जैसे ही हमने उसे पकड़ा तो वो तस्कर नहीं, वो शराब तस्कर की गाड़ी थी, उसमें से एक ड्राइवर भाग चुका था। कंडक्टर को मैंने पकड़ के लाया और प्रशासन को मैंने सौंपा। उसके बाद प्रशासन ने मुझे वहाँ से भगाने की कोशिश करी, मैंने कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मुझे ये गाड़ी थाने में चाहिए। उसके बाद उन्होंने मुझे थाने ले गए और बोला तुझे छोड़ देंगे, पर उन्होंने मुझे 6 घंटे लॉकअप में रखा और फिर उसके बाद मुझे धमकियाँ दी। मुझे ये बोला कि अगर तुमने किसी प्रकार की जानकारी बाहर बताई तो हम तुम पे केस बना देंगे, 25 आर्म टेक लगा देंगे और आज के बाद तुम संगठन के प्रकार किसी प्रकार काम नहीं करोगे, और कौन होता संगठन में पद देने वाला और कौन उसका संगठन है। किसी प्रकार से उन्होंने हमारे साथ गाली गलौज की, मेरे कार्यकर्ता द्वारा तो पूछे जाने पर उन्होंने मना कर दिया कि आपका कोई अध्यक्ष हमारे थाने में नहीं है, जबकि मैं उसी थाने के अंदर 6 घंटे रहा और मेरे कार्यकर्ताओं को उन लोगों ने भगा दिया। गाड़ी पकड़ने की कितनी देर बाद पुलिस आई? गाड़ी पकड़ने के 20 मिनट बाद पुलिस आई। पुलिस प्रशासन आ ही नहीं रहा था, हमने उसे कब से कॉल कर दिया, 100 पे भी कॉल किया, किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी। अच्छा, CSP और DI कब आए? CSP और DI सब मैं लॉकअप में था, मुझे कुछ भी नहीं पता। जब जहाँ हमने गाड़ी पकड़ी वहाँ पर 4 जवान आए थे और वो गाड़ी किसी अलग जगह ले जाने की बात कर रहे थे। मैंने बोला नहीं गाड़ी भी जाएगी और मैं भी आपके साथ चलूंगा, तो उन्होंने मुझसे धक्काधोमी करी, बोला चल तू थाने। मुझे थाने लेके आए, मुझे और मेरे कार्यकर्ता को जेल के लॉकअप में डाल दिया और हमें टॉर्चर करते रहे कि अगर तुम बाहर जाकर किसी प्रकार की सूचना करी या किसी को बताया तो तुम्हारे ऊपर केस बनवा देंगे। कितनी शराब थी वहाँ पर? कम से कम सर वहाँ 300-400 पेटियाँ थी। प्रशासन ने 300 पेटियाँ बताई है, पर जो ग्रामीण लोगों ने वहाँ पे शराब लूटी है, एक वहाँ का एक पटेल है जिसके घर के सामने वो गाड़ी खड़ी करी थी, पटेल ने बहुत सपोर्ट कर रहा था वो उस गाड़ी वाले का, मुझे लगता है कि वो पटेल भी उसमें शामिल है। उसके साथ उसका पूरा गांव था, पटेल ने मुझे धमकियां दी है। कितनी पेटी वहाँ पे लूटी गई? गांव में कम से कम 20 से 25 पेटियां लूट ली गई है और रास्ते का मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे प्रशासन नहीं, प्रशासन ने जो मेरे सामने आंखों के सामने थाने में जो पेटियां निकाली है वो भी मैंने लाइव देखा है। कितनी पेटी गई? कम से कम उन्होंने हर
जवान ने दो दो चार चार बॉटलें निकाली है उसमें से, उसके बाद कार्रवाई हुई है। मेरा नाम दीपेंद्र संध्या, उनको इनाम मिलना नहीं चाहिए, उन्होंने कुछ भी नहीं करा। संगठन को इनाम मिलना चाहिए, संगठन के कार्यकर्ता को इनाम मिलना चाहिए और उज्जैन जिले को इनाम मिलना चाहिए। इस घटना के आपके पास साक्ष्य है कुछ? जी बिल्कुल। क्या है? मेरे पास वीडियो क्लिप, फोटो और लाइव कार्यकर्ता जो वहाँ मौजूद थे, उसके बाद वहाँ की जनता, आप थोड़ा सा जाइए वहाँ के, पूछिए सभी प्रकार के लोग।